नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के बुढ़नपुर कोयलसा ब्लॉक के सभागार में हरियाली कृषि विकास संस्थान राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि आज अन्य जल और वायु के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। किसान अपने पोत से भटक चुका है, जिसे रासायनिक उर्वरक को खाद मान बैठा है। वही उन्होंने बताया कि जिसके अंधाधुंध प्रयोग से आज धरती माँ का जो हमें अन्य जल प्रवाह प्रदान कर रही है, यह कितना जहरीला है। यह किसानों को बताते हुए कहा, जैसा खाए हैं वैसा होगा। तन और यह अभियान आपके सबके सहयोग और सहभागिता से संभव नहीं है, जिसके जागरूक कर किसानों को अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए। वही मौजूद रहे जिला प्रबंधक दुर्गा प्रसाद मौर्य, कोलसा ब्लॉक वीडियो राकेश कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। राकेश कुमार सर, क्या काम करते हैं? हरियाली कृषि विकास संस्थान के ब्लॉक प्रबंधक हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज सर, हरियाली कृषि विकास संस्थान में हमारे वसुंधरा बहुओं की जो है कि प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था। वसुंधरा बहुओं को जागरूक किया गया कि किसानों को कैसे जागरूक करना है, जैविक खाद को जो है 50% छूट पर हाँ हम किसानों को देना है, वितरण करना है, उसके प्रचार प्रसार का कार्य करना है वसुंधरा बहुओं को।